नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक सवाल आया हुआ है, सर मैं निफ्टी सुबह सुबह 9:08 AM को पर टारगेट स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सिंपल मैं एग्जांपल बोलता हूं, मैं जो काइट ओपन कर ले रहा हूं, ये मेरा काइट है, मैं यहां पे आता हूं इस पे और मैं एग्जांपल लेता हूं निफ्टी में NIFTY 16,000 कॉल लेता हूं। 16,000 कॉल लिया है मैंने और ये जुलाई का एक्सपायरी है, मैंने इसको ऐड कर लिया। मान लो मैंने इसको जो है बाय किया हुआ है, एग्जांपल बोलता हूं ये मेरे होल्डिंग में है, 50 का लॉट साइज है, 50 क्वांटिटी इनटू 378 कर दो, जो भी मार्जिन है यहां पे आपको दिख रहा होगा, ये मैंने बाय किया हुआ है। यहां पे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मैं सुबह सुबह जो है प्री मार्केट ऑर्डर में इसको प्लेस कर सकता हूं और मेरा टारगेट स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो सकता है क्या। प्री मार्केट ऑर्डर आप 9 AM से लेके 9:07 AM तक लगा सकते हो और आपका ऑर्डर 9:08 AM से मैच होना स्टार्ट होता है 9:15 AM तक। 9:15 को जो है मार्केट ओपन हो जाएगा, उसके आप जैसे बाय सेल करते हो कर सकते हो। ध्यान रखना, प्री मार्केट ऑर्डर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, प्री मार्केट ऑर्डर में सिर्फ आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो इक्विटी में और वो भी NSE और BSE के लिए। जैसे मान लो को रिलायंस हो गया, TCS हो गया, HDFC बैंक हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसको आप प्री मार्केट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हो 9 AM से लेकर 9:07 AM तक, मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। 9:08 AM को इसका ऑर्डर मैच होगा, बायर सेलर का जो भी प्राइस होगा, आपका जो भी मार्केट डेप्थ होगा, बायर सेलर का जो भी प्राइस होगा मैच कर गया, आपका ऑर्डर बाय और सेल हो जाएगा। लेकिन ये काम जो है आप ऑप्शन में नहीं कर सकते। ऑप्शन में आप प्लेस करोगे ऑर्डर तो वो आपको आफ्टर मार्केट ऑर्डर कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया है वो आपको ले लेगा, लेकिन वो कहलाएगा आफ्टर मार्केट ऑर्डर। मतलब आपका ऑर्डर मैच होना स्टार्ट होगा कब, 9:15 AM से, समझ गए। मतलब 9:15 AM से पहले आपका ऑर्डर ना मैच होगा, ना स्टॉप लॉस हिट होगा, ना टारगेट हिट होगा। मतलब मान लो गैप अप ऊपर हुआ तो आप बाई किए हो प्रॉफिट में है, और गैप डाउन नीचे हुआ आपने बाई किया हुआ है तो लॉस में है। कोई दूसरा जो है ऑप्शन अवेलेबल आपके पास नहीं है कि प्री मार्केट में आप खासकर फ्यूचर और ऑप्शन को बाई और सेल कर सकते हो, ऑनली इक्विटी, वो भी NSE और BSE में। समझ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई होगी आपको। अगली बार से अब ये सवाल जो है आपके मन में नहीं आएंगे। सिंपल है, ना स्टॉप लॉस हिट होगा ना टारगेट हिट होगा, क्योंकि वो ऑर्डर जो है मैच ही नहीं होगा आपका। आपका ऑर्डर मैच होना स्टार्ट होगा 9:15 AM से। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है कुछ अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।